पटवारी परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बनने पर शिक्षक, तथ्य छिपाने पर शिक्षक का सस्पेंड। शिक्षा विभाग ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में एवीजी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के मामले में एक शिक्षक और एक शिक्षिका ने परीक्षा कोटे से नौकरी हासिल कर ली, लेकिन शादीशुदा व्यक्ति के साथ लीव इन रिलेशनशिप में रहने की शिकायत पर उसे सस्पेंड कर दिया। जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा केसरदान रतनू ने शिक्षा व शिक्षिका को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। नौकरी के लिए तथ्य छिपाए, इसलिए निलंबन। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा केसर दान रतनू ने बताया कि रापरावी पहाड़ी सिंह की ढाड़ी चांदसरा में कार्यरत शिक्षिका सुलोचना के खिलाफ लोकायुक्त मेयर रेखा सुमन ने परिवार पेश कर बताया कि सुलोचना ने परीक्षा कोटे से शिक्षा की नौकरी हासिल कर दी। जांच में शिक्षिका सुलोचना दोषी पाई गई, इस पर उसे सस्पेंड किया गया है। जी, आज इस कार्यालय द्वारा एक शिक्षक और एक शिक्षिका को निलंबित किया गया है। जो शिक्षक है उनका नाम बाबूलाल विश्नोई है, वो अध्यापक लगे हुए वावतलाई भेरूड़ी शेडवा ब्लॉक में। उनके खिलाफ 24 तारीख को आर के परम कोटा में जो है पटवारी परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बनकर के नकल करके प्रकरण दर्ज हुआ है और वो 48 घंटे ज़्यादा जेल में रहे हैं, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है और बाकी जो कार्रवाई है उसी से रूल के तहत प्रारंभ की जाएगी। और एक और शिक्षिका है श्रीमती सुलोचना, जो प्राइमरी स्कूल पाड़ सिंह ढाणी चांदेसरा बालोतरा ब्लॉक में लगी हुई है, उसने शादी से संबंधित तथ्य छुपाकर परित्यक्ता कोटे से जो है वो नियुक्ति प्राप्त कर ली।